सो एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं और आशुतोष कॉलेज का रैंक लिस्ट पब्लिश हो चुका है। तो कैसे रैंक लिस्ट देखना है पहले वो चेक कर लो, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा। तो ये चीज़ खुल गया, उसके बाद आपको डायरेक्टली मेरिट लिस्ट पे जाना है। मेरिट लिस्ट पे क्लिक कर लेना, उसके बाद देखना फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। ये मेरिट लिस्ट नहीं ऑल एप्लीकेंट का है, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि देख सकते हो हर एक चीज़ का आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे कि हम मैंने फॉर्म भरा था जस्ट फॉर डेमो के लिए बी ए ऑनर्स में, बी ए इंग्लिश ऑनर्स में। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यू आर में देख लेते हैं कैसे कैसे क्या रैंक है। तो रैंक देख सकते हो, वाह भाई मेरा रैंक 1 आया है, बट क्योंकि हम सब में मार्क्स अच्छा अच्छा दिया था इसलिए एंटरटेनमेंट की पाठशाला फॉर्म नंबर ये रैंक 1 और ये है ये वगैरह रैंक लिस्ट दे दिया, ठीक है ना। ये मेरा रैंक लिस्ट है, ठीक है, सारा रैंक लिस्ट। अपना रैंक चेक कर लेना, उसके बाद कुछ देर में ही आपको रैंक रेंज मिल जाएगा जिसके बेसिस में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। तो ये पूरा आपका यहाँ से आप पूरा देख सकते हो आपका कितना रैंक है। आपको पीडीएफ में नहीं मिले तो सर्च कर लेना इसी में वेबसाइट में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वेबसाइट में मिल जाए ये पूरा रैंक लिस्ट आपको मिल गया है फाइनल एप्लीकेंट, यहाँ से अपना रैंक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो जल्दी आपको प्रोसेस बताया जाएगा, सो वेट करना, जल्दी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।